तो हाय व्यूअर्स, सो मैं और आरती अभी आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार खाने वाली प्लेस पे। तो हम जा रहे हैं हमारे यहाँ गोरेगांव के रेजिडेंस से जा रहे हैं बोरीवली वेस्ट में। तो क्या हुआ कि एक्चुअली मैं और आरती कल ऐसे ही है ना कुछ इंस्टाग्राम रील्स देख रहे थे, तो हमें एक जगह पता चली जो हम आपको आगे बताएंगे। उसका नाम है पुष्टि तुष्टि ना, हाँ पुष्टि तुष्टि करके कोई जगह है। सो बोरीवली वेस्ट में, और वहाँ पे मिलती है दाल बाटी और राजस्थानी जो डेलिकसीज होती है जैसे गट्टे की सब्जी और ऐसा सब कुछ। तो मैंने तो आरती को बोला कि भाई मुझे तो खाना है। दाल बाटी का नाम सुन के मेरे मुँह में हमेशा पानी आ जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा। हमें नहीं पता, हमने सिर्फ वहाँ पे कॉल करके पूछा कि वो कब तक शुरू रहता है। तो वो मॉर्निंग में कितना टाइम बताया, मॉर्निंग का 8:30 बजे से मॉर्निंग कंटिन्यूसली वो रात की 10 बजे तक चालू रहता है। अब जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है, थाली सिस्टम है कि एला कार्टे है क्या है, ये सब तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो अभी हम जाते हैं, 10 किलोमीटर हमारे यहाँ से है, और उस जगह की लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में है ना आरती आपको दे देगी। और जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर तो है ही, और क्या राजस्थान में बाटी खाने के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अभी देखते हैं। देखो सबसे बेस्ट हम दोनों को जो दाल बाटी लगती है वो हमारे घर की लगती है उदयपुर में, जो मेरी मम्मी बनाती है, तो उसका तो कोई तोड़ नहीं होगा। पर देखते हैं, अगर ये उम्मीद हमारी अच्छी हुई तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा उसके बाद वीडियो के बाद आरती और हम दोनों की, आप भी ट्राई करना। बाकी अभी चलते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और प्लीज़ आरती आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि उसकी इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट करें। तो चलते हैं अभी हम यहाँ से आगे। तो ये देखिए, अब लोग हम आ चुके हैं पुष्टि सुष्टि करके ये रेस्टोरेंट बोरीवली वेस्ट में, और आप देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। अभी हम जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, भीड़ तो बहुत है। और हमने हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके रखी है सामने रोड के ऑपोजिट, क्योंकि इनकी खुद की कोई पार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे एक पास में फूड लॉट डाइनिंग बार करके भी है। तो आइए पहले हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये जो हम पुष्टि तुष्टि अभी जिस जगह पर आए हैं, ये बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये ना कोई रेस्टोरेंट है बल्कि एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए आप, स्वीट्स भी हैं यहाँ पे, आपको खाने पीने की पैक्ड आइटम्स भी मिलेंगी सारी। ये जैसे यहाँ पे स्नैक्स भी हैं, कचौरी समोसा आपको दिख ही रहा है। तो ये पूरा पुष्टि तुष्टि में अंदर आपको खाने पीने का पैक्ड आइटम से लेके स्वीट्स से लेके सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे है ना, जैसे आप देखेंगे बाहर की तरफ भी सिटिंग स्पेस है, तो यहाँ पे छोले भटूरे, दूध जलेबी और तरह तरह की चाट्स, देखिए आप बाहर कितने लोग खा रहे हैं। और हमारी बैठने की जगह यहाँ पर है, तो देखते हैं आगे आपको और दिखाते हैं क्या क्या हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं और हमें ये 2 की टेबल मिली है, और आप देखिए यहाँ पे लोग अंदर की तरफ भी है ना बैठे हैं खाने के लिए। और ये देखिए आप, यहाँ का एम्बियंस कितना प्यारा है, और यहाँ पे इनके बहुत सारी ख़रीदारी करने के लिए सामान रखा हुआ है। ये देखिए तो देखिए आप यहाँ पे कितना सारा सामान भी अवेलेबल है, और ये हमारी टेबल है। तो ये देखिए पुष्टि तुष्टि का मारवाड़ी स्वाद से नाम है इसका, और ये है इसका मेनू। तो आप देखिए ये पूरा मेनू है, और हम यहाँ पे इस एरिया वाले जो लिखा है ना दाल बाटी वाला एरिया, इसको ट्राई करेंगे आज। तो देखिए आप रेट्स भी लिख रखी हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। आप ये देखिए डोसा और इडली, मतलब साउथ इंडियन में भी आपको वैरायटी सारी है, वड़ा, उत्तपम, रवा डोसा,
देखिए चाट्स हैं, पाव भाजी है, तवा पुलाव है, एंड हियर आपको डेजर्ट भी हैं, बेवरेजेस मसाला पाव है। तो ये इसका शॉर्ट मेनू है। और यहाँ पे ये देखिए आप, हम एक्चुअली सिर्फ इस दाल बाटी चूरमा के नाम पर आए हैं। जो ये फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख भी रही है, ये तो गट्टा बेसन दिख ही रहा है मुझे और ये बाटी दिख रही है। सो दिस इज़ द एंटायर मेनू। तो आरती जो ये बता रही है वो कहाँ पर था आरती? इसमें मेनू में बता भी रखा है। हाँ ये देखिए आप, ये सारे कंटेंट्स हैं। बाटी है, गट्टा है, चूरमा है, रबड़ी गुलाब जामुन भी है ना, और दाल। शेयरिंग कर सकते हैं ये थाली, दो पीपल के लिए तो इनफ है एक थाली। हाँ तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे थाली शेयर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हमारी थाली आ चुकी है और कितनी टेस्टी लग रही है। तो व्यूअर्स देखिए आप, ये है हमारी थाली और ये है राजस्थानी थाली, जो कि देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप देखिए इसमें सबसे पहले तो ये पापड़ दिया है, ये लहसुन की चटनी है लाल वाली, और ये प्याज और अचार, ये है गट्टे की सब्जी, ये है दो कटोरी दाल दी है इन्होंने जो एकदम राजस्थानी अपनी उड़द चने वाली दाल होती है, ये है चूरमा बाटी का, ये है पुलाव और ये देख गट्टे का पुलाव, और ये देखिए आप, ये है मिर्ची बड़ा जोधपुरी। और बाटी तो आप देख ही रहे हो, घी में देखिए आप, घी के अंदर लथपथ बाटी है पूरी और छाछ, और ये चीज़ तो रहेगी रबड़ी गुलाब जामुन, ये इतना सा देखिए आप, इसके अंदर गुलाब जामुन है और रबड़ी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें गट्टा और ये जो दाल है ये दोनों अनलिमिटेड है इस थाली में। प्राइस हम आपको है ना वीडियो के एंड में बताएंगे। और आप देखिए ये थाली कितनी यमी लग रही है। इस थाली को टेस्ट करने का अब समय आ चुका है, तो आरती अब टेस्ट करेगी इस थाली को। तो आरती चलो शुरू करो टेस्टिंग। तो ये देखिए आरती ने बाटी को चूर लिया और बाटी बहुत सॉफ्ट है। आरती बहुत सॉफ्ट है, जैसी है ना मतलब बाटी चाहिए आपको। रे आरती दाल डाल रही है, आई थिंक इसमें चना दाल है, जैसे आप देखेंगे चने की दाल है। मुझे तो है ना यमी लग रही है आरती। ये गट्टा बेसन भी थोड़ा सा डालो। ये देखिए आप, गट्टे की ग्रेवी आरती ने डाली। तो दाल बाटी का जो मजा होता है ना, कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है दाल की, ऐसी दाल और यहाँ पानी जैसी नहीं है। और ये गट्टा बेसन की ग्रेवी भी देखिए आप कितनी जबरदस्त लग रही है। थोड़ी सी लहसुन की चटनी मिक्स करिए और आहा आरती जल्दी से कैसा? मुझे बाटी मतलब मैंने बहुत ट्राई करी है, पर थोड़ी बहुत जगह की अच्छी लगी है। ये बहुत ही टेस्टी है, ट्रस्ट में। इसमें घी इतना लथपथ है, इतना लथपथ है, और आपको ये हाथ से खाने में ही मजा आएगा। और बाटी का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है मेरे लिए, ये बाटी एकदम आराम से चूर जाए ऐसी, ये एकदम सॉफ्ट है और ऐसी मतलब आप हाथ लगाते ही चूर जाएगी, बहुत ही टेस्टी है। और उसके साथ ये लहसुन की चटनी, आहा एकदम मज़ा ही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गट्टे का पुलाव भी है और ये मिर्ची बड़ा भी, आप ट्राई करके देखिए। नहीं आप ही करो ट्राई एक बार। ये ऑथेंटिक लग रहा है बिल्कुल, इसकी फीलिंग देखो तो मतलब ये एकदम शानदार होगा। हाँ मस्त एकदम, जैसे हमें अच्छा लगता है। पुलाव टेस्ट करिए, हर एक चीज एकदम जैसे राजस्थानी टेस्ट होता है वैसी ही है सच में। आरती सच में यार, दिस इज वी हैव डिस्कवर्ड अ वेरी गुड प्लेस टू ईट अवर दाल बाटी। हमारा कोई फिक्स नहीं था, अचानक से हमने देखा और सोचा कि चलो जाते हैं, हमें लगा कि टेस्ट ऐसा नहीं होगा पर बहुत अच्छा है। तो अभी मैं चूरमा खा के देखती हूँ। चूरमा में हम चाहें तो है ना व्यूअर्स घी भी डलवा सकते हैं यहाँ पे इनसे बोल के, आपको अगर थोड़ा सा
पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाला, ड्राई फ्रूट और डाला हुआ है। हाँ इलायची वगैरह सब अच्छे से डाली है, ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसा नहीं कि बनाने के लिए बनाया, बहुत टेस्टी है और सच में ऑथेंटिक है। और ये मेरी दाव पे अभी एक टेस्ट करके बताओ आप। तो विनीत ये रबड़ी की गुलाब जामुन टेस्ट करके, इतनी ऑथेंटिक रबड़ी है, ये जो चीज़ है ये मीठी भी नहीं है, जो ऐसी रबड़ी होनी चाहिए कि मतलब जिसमें ज़्यादा शक्कर ना हो वैसी ये है। और गुलाब जामुन है अंदर, तो एक जो गुलाब जामुन की चाशनी का फ्लेवर जब है ना रबड़ी में मिल जाता है तो कैसा लगता है, वैसा ही टेस्ट आ रहा है। तो मेरे को तो सिर्फ रबड़ी गुलाब जामुन खाने में इतना अच्छा लगा, मैंने आरती का आपने देख लिया अभी खाते हुए कि कितना यमी ये थाली होने वाली है। तो अब हम इस थाली के ऊपर टूट पड़ते हैं दोनों जने, और आप अगर बाटी यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप बाटी ले सकते हैं, 45 रुपीज़ की एक्स्ट्रा बाटी, 45 रुपीज़ की एक बाटी। बाकी हम आपको पूरी कंप्लीट थाली की प्राइसेस और सब कुछ बताएंगे, इसमें मैं आपको बचा चुका हूँ गट्टा बेसन और दाल अनलिमिटेड है। तो आइए हम पहले इस थाली को फिनिश करते हैं, फिर इसका कम्प्लीट रिव्यू आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने हमारी जो दाल बाटी चूरमा वाली थाली थी वो फिनिश कर ली, और अभी मैं बाहर आया जस्ट और देखा मैंने कि यहाँ पे देखिए ये चाट और पानी पूरी का काउंटर है, देखिए कितना शानदार तरीके से सज रहा है। यहाँ पे है जलेबी एंड रबड़ी, तो आपको जो दूध जलेबी और रबड़ी जलेबी वो यहाँ मिलती है, ये आपके ऑर्डर पे डिपेंड करती है, आप ऑर्डर देंगे तो यहाँ पे बनेगा, साउथ इंडियन सारा इधर बनता है। और अभी यहाँ पे मैंने जस्ट छोले भटूरे बनते हुए देखे थे, किसी ने ऑर्डर करे होंगे तो आलू चाट आलू टिक्की। सो ये जैसे जैसे शाम होती है तो वैसे वैसे ज़्यादा ऑर्डर आने लग जाते हैं। तो हम लोग अभी थाली खा के आ चुके हैं, पीछे आप हमारे देख सकते हैं पुष्टि सुष्टि, जो ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं एक तरह से, ये है ना शॉप स्टोर है, कन्फेक्शनरी स्टोर, और इसी में इन्होंने खाने के लिए भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बट लिटरली मैं आपको बताऊँगा, इससे ज़बरदस्त दाल बाटी चूरमा वाली थाली मैंने और आरती ने तो नहीं खाई है कहीं बाहर, है ना आरती? बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था, और मेन मुझे टेस्ट ऐसे लगा कि हाँ ऑथेंटिक था, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया हुआ है, बहुत जबरदस्त था। और हाँ बाटी एकदम घी में लथपथ एकदम शानदार वाली बाटी थी, दाल और गट्टे की सब्जी की कंसिस्टेंसी और उसका टेस्ट मैं आपको बोलूंगा मैं इसे 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि हमने हम चूरमा पूरा नहीं खा पाए तो उन्होंने हमें चूरमा भी पैक करके दिया है, पार्सल दिया है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, और हमारी थाली की जो प्राइस थी वो थी 569 रुपीज़ की ये थाली थी, और अगर आप एक्स्ट्रा बाटी लेते तो 45 रुपीज़, बाकी आपको बताई चल गट्टा बेसन और ये दाल अनलिमिटेड थी। सो इट वॉज़ वेरी नाइस, हमें बहुत अच्छा लगा ये थाली, और मैं तो अब बार बार आऊँगा, आरती को मैंने कह दिया जिस दिन मुझे दाल बाटी खाने की इच्छा हुई मैं उस दिन यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को तो ज़रूर आप देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कोई अगले व्लॉग में, टिल देन बाय।